नमस्कार, लक्की से लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं संजीव कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी रामगढ़ चौक प्रखंड में है और सोनी देवी जी हैं जो पंचायत समिति पद के लिए नॉमिनेशन करने जा रही है, यही ना? तो आज आप नॉमिनेशन कीजिएगा। जी, जीतेंगे तो विकास तो जरूर करेंगे। विकास करेंगे जी। आप इनके पति हैं ना? जी है ना? जी जी। तो आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। जी जी सर। पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने? पूरी तैयारी है, जोर शोर से है और 100% नहीं 200% चांस है कि जीतेंगे ही जीतेंगे। अच्छा, ये जो दावा है आपका 200%, किस तरह से दावा है? मतलब किस तरह से है कि हमारा पंचायत जो है अन्याय भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और हम लोग जनता जो हैं सब मेरे साथ उसी के खिलाफ एकजुट हुआ है, तो इसी के चलते हमको पूरा विश्वास है कि हम जरूर जीतेंगे। तो आपके जो जनता है वो आपका पूरा समर्थन है? पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन है, पूर्ण समर्थन है सबका। यहाँ और लोगों से भी बात करते हैं। नीलू सिंह नाम है, यही गरसंडा घर है आपके। तो क्या देख रहे हैं आप अभी तक, जो पहले से जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा जो विकास कार्य किया गया है, क्या है यहाँ की जनता संतुष्ट है या नहीं है? अब वो तो जनता मालिक है, जनता आज, पहले वाला जमाना चला गया, जनता होशियार हो गई है, सबको पता है क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसको वोट करना है। घूमने से फर्क नहीं पड़ता है, रैली कौन किसके रैली में जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हमारे पंचायत में सौदेबाजी की राजनीति ज़्यादा होती है। हम एक नया आदर्श खड़ा करना चाहते हैं, आदर्शवाद राजनीति अपने पंचायत में लाना चाहते हैं। हम यहाँ तमाम जो पंचायत है सब पर मेरी नज़र रहती है। बार बार ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो चुनाव होता है उसमें करोड़ों रुपए का खर्च होता है, कहाँ से ये पैसा आता, कहाँ से है ये सब पैसा? अब वो तो प्रतिनिधि बताएंगे, जो पहले रह चुके हैं उनके पास पैसा कहाँ से आया वो तो उनका सवाल है कि कहाँ से आया, वो सवाल उनसे पूछिएगा तो वो बेहतर बताएंगे। हम तो जनता हैं, हमको तो उतना पता होता नहीं है कहाँ से पैसा आया, वो तो बेहतर वही बता सकते हैं। अब खुल के जनता को मालूम है पैसा कहाँ से आया है, किन के पास कहाँ से आया है, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, वो जनता मालिक है, जनता फैसला करेगी। सच के साथ है जनता तो विजय निश्चित है। तो लगातार जनसंपर्क चल रहा है और बात करेंगे जी। दो गांव पड़ता है ना आपके पंचायत समिति? हम लोग के गांव में पंचायत समिति भाग संख्या 1 हुआ जी, इसमें गरसंडा और डकरा पड़ता है। डकरा है तो वहां क्या स्थिति है आपकी? बहुत अच्छा स्थिति है, डकरा से भी लोग आए हुए हैं, उधर सारे लोग हैं, डकरा से भी पुरजोर समर्थन है। मतलब पूरी तरह से आप आश्वस्त हैं कि आप चुनाव जीतेंगे? एकदम एकदम, बस हम चुनाव जीत चुके हैं, अब जो प्रक्रिया है बस प्रक्रिया कर रहे हैं हम लोग। चलिए, हमारी शुभकामनाएं भी है कि आप चुनाव जीते, उसके बाद फिर आपसे हम बात करेंगे। तो ये अमित कुमार जो है वो नॉमिनेशन करने जा रही है पंचायत समिति। भैया मत घबराना।